मैं वहां गया और वहां उस कैंपस का मैं अवलोकन कर रहा था कि जिस कैंपस में मैं मेरी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या वो कैंपस अनुकूल भी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैंने मेरी मिसेज से कहा कि भाई इस संस्था के जो मालिक है ना, एक बार उनसे तो मिले। बेटी को यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, फीस भर दी हमने, एक अलग बात है। बेटी को यहाँ छोड़ के जाऊंगा हॉस्टल में, और फिर मुझे पता पड़ा कि मैं थोड़ी देर आधा घंटा पहले जिस शख्स से बात कर रहा था वो स्वर्ण चौधरी सीएलसी के बॉस थे। मुझे ये लगा कि जी एक सामान्य आदमी, एक सामान्य अध्यापक से इतनी बड़ी संस्था के मालिक ने इतनी सहजता से बात की है। तो भाई साथियों, मेरी बेटी सनोवर सामर सीएलसी में कोचिंग की और आज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जीएमसी सीकर में ही है। क्या बात है, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जब बच्ची ने प्लस टू पास किया तो एक्चुअल में मेरी जो मंशा थी, मैं उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर बनाना चाहता था, और साफ शब्दों में अपनी आत्मा की बात बता रहा था, मैं उसको एसटीसी कराना चाहता था। आप खुद टीचर हो गया? मैं खुद टीचर हूँ, और मैंने तो यही सोचा था कि ठीक है बेटा, प्लस टू किया बहुत अच्छे नंबरों से, इंसिडेंट पॉइंट अपने खैरतल में आजाद चौधरी उसके संस्था प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरे और बेटी के बीच में एक द्वंद्व चल रहा था, मैं बच्ची को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर आना चाहता था और बेटी चाह रही थी कि पापा मैं एक बार नीट का एग्जाम देना चाहती हूँ। मैं डिसाइड नहीं कर पाया। 4 अप्रैल को सीएलसी के अंदर पहला बैच चालू हो गया था और 27 जून तक मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया कि क्या करूँगा। दोनों बाप बेटी के अंदर द्वंद्व की स्थिति थी, वैचारिक सामंजस्य नहीं बन रहा था। साथियों, मैं खैरतल के मार्केट में किसी काम से गया और ये मैं ईश्वरीय संयोग कहूँ कि मुझे आज़ाद चौधरी जो है फाटक पर मिल जाते हैं। उन्होंने कहा बेटी के बारे में क्या प्लान है? मैं कह सर मैं तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर बनाना चाहता हूँ। बोला बेटी इंटेलिजेंट है, उसको एक चांस दो। तो मैंने सर बताओ आगे मैं क्या करूँ, कहाँ भेजूँ, मुझे नहीं पता था सर किसी भी तरह का, क्योंकि मेरा कोचिंग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था सर, मैं अपने आत्मा की बात बता रहा हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि वैसे देख लेना, आपको जहाँ भी कहीं अच्छा लगे वहाँ कर लेना जो है और पूछ लेना, बाकी सीएलसी चले जाओ। सर मैं आज इस मंच पर विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा आज़ाद चौधरी को कि उन्होंने मुझे सीएलसी में स्वर्ण चौधरी बॉस के पास पहुंचा दिया। मैं विशेष रूप से आज़ाद चौधरी को धन्यवाद दूंगा, आज याद करूंगा उनको कि मुझे वहां तक की जो राह दिखाई, जो रास्ता दिखाया वो आज़ाद चौधरी ने दिखाया। मैं वहां गया और वहां उस कैंपस का मैं अवलोकन कर रहा था कि जिस कैंपस में मैं मेरी जवान बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्या वो कैंपस अनुकूल भी है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मैं वहां बैठा बैठा 2 घंटे तक मॉनिटरिंग करता रहा। अचानक मैं फील्ड में घूम रहा था। साथियों यकीन के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कोई किसी तरह के भाषण देने की तैयारी की है। उस फील्ड में घूमते हुए और अचानक वहाँ एक इंसान घूम रहा था, एक देवता तुल्य इंसान घूम रहा था। मैंने उससे बातचीत की, सर जी मैं यहाँ मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, कैसा एनवायरनमेंट है? बोला आप यहाँ पढ़ाइए, निश्चिंत रहिए, शिक्षा भी है, संस्कार भी है और सुरक्षा भी है। और उनसे बात करने के बाद मैं फिर टहल गया। मैंने मेरी मिसेज साथ थी, दोनों माँ बेटी और मैं तीनों हम साथ थे। मैंने मेरी मिसेज से कहा कि भाई इस संस्था के जो मालिक है ना, एक बार उनसे तो मिले। बेटी को यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, फीस भर दी हमने, एक अलग बात है। बेटी को यहाँ छोड़ के जाऊँगा हॉस्टल में, और फिर मुझे पता पड़ा कि मैं थोड़ी देर आधा घंटा पहले जिस शख्स से बात कर रहा था वो स्वर्ण चौधरी सीएलसी के बॉस थे। मुझे ये लगा कि जी एक सामान्य आदमी, एक सामान्य अध्यापक से इतनी बड़ी संस्था के मालिक ने इतनी सहजता से बात की है, तो भाई इस संस्था से अच्छा कोई और नहीं है। मैं सीधा काउंटर पे गया, मैंने फीस डिपॉजिट करा दी, बच्ची का मैंने एडमिशन कराया और उसके सार्थक परिणाम आज मेरी बेटी, मेरा आलमदी का गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, पहली मेरी ये बेटी है जो MBBS के अंदर एंटर किया है, गाँव की पहली बच्ची, और आज MBBS कर रही है साहब सीकर से जो है। उसको भरतपुर भी मिल रहा था, बाकी नए सारे कॉलेज मिल रहे थे, झालावाड़ के बाद के सारे कॉलेज मिल रहे थे, लेकिन मैंने तो ये कहा, मैं कहा बेटा तूने कोचिंग भी सीकर किया तो GMC सीकर से ही अपनी डिग्री पूरी करो। तो मैं अपने सभी साथियों से, मेरे रिश्तेदारों से, मिलने वालों से यही अनुरोध करूंगा कि बेटियों के मामले में आप निश्चिंत रहिए, एक जवान बेटी का बाप और उसकी माँ निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जब बच्चे को बाहर भेजते हैं और एक छोटे से गांव से बाहर के परिवेश में भेजते हैं तो उनके अंदर एक झिझक होती है कि भाई वहां का कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसा माहौल होगा। निश्चित रूप से वहां अच्छे संस्कार हैं, सुरक्षा है, शिक्षा है और सफलता की गारंटी भी है। अब ज्यादा न करके अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।